नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीला के ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और अपने लग्न के माध्यम से यानी कि अपने जन्म लग्न कुंडली के माध्यम से कौन से रत्न परिधान कर सकते हैं इसके बारे में सटीक जानकारी दर्शकों मैं आज आपको देने वाला हूँ। उसके साथ साथ रत्न के साथ रत्न धारण करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कौन से समय पहनना चाहिए और कौन से धातु में पहनना चाहिए, इस सब प्रकार की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। निवेदन खाली इतना है दर्शकों की, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कतें आती है तो मुझे फोन कॉल भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्या लग्न वाले लोग कौन से रत्न धारण करते हैं? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये जन्म लग्न कुंडली है, यहाँ पे 12 भाव है, 12 भाव में से ये प्रथम भाव, इसे लग्न कहा जाता है। और लग्न यह एक 6 आंकड़ा आया है, 6 आंकड़ा यानी कन्या राशि। देखो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और छठवीं राशि है कन्या। तो ये यहाँ पे 6 आंकड़ा आया है, इसका मतलब ये कन्या राशि है, यानी कि कन्या लग्न है। लग्न कौन सा होता है? कन्या। तो ये कन्या लग्न वाले लोग बुध ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन नियम खाली यही है कि लग्नाधिपति यानी लग्न स्थान का स्वामी केंद्र में अगर आता है तो ही रत्न वो धारण करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 6 आंकड़ा आया है तो लग्न हो गया कन्या, और कन्या का स्वामी होता है बुध ग्रह, और बुध अगर केंद्र में आ गया, ये कौन से भी स्थानों में, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, तो बुध यहाँ पे केंद्र में आया है तो इसका मतलब ये है कि जातक लग्न स्थान का स्वामी बुध ग्रह धारण कर सकता है, बुध ग्रह का रत्न धारण कर सकता है, और बुध ग्रह का रत्न होता है पन्ना। दर्शकों उसी प्रकार पंचमाधिपति, ये जो लग्नाधिपति यानी कि अपने बुद्धि के लिए, अपने स्वभाव के लिए और अपने जीवन में सारा सार उसका फल मिलने के लिए लग्न स्थान का स्वामी भी पहन सकते हो। और पंचमाधिपति अगर पहनना है वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और उसके साथ साथ आपके एजुकेशन के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये है कि पंचमाधिपति यानी कि यहाँ दशम आंकड़ा आया है तो ऐसे ही गिनना है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर यानी कि लग्नाधिपति कौन है? मकर। और मकर राशि का स्वामी शनि, शनि यहाँ पे केंद्र में आया है, कौन से भी स्थान पे आने दो यहाँ पे, लेकिन केंद्र में अगर आया तो शनि का रत्न भी जातक परिधान कर सकता है। तो शनि का रत्न कौन सा होता है? नीलम, तो वो धारण कर सकता है। उसके साथ साथ भाग्याधिपति, बहुत सारे लोग भाग्याधिपति का रत्न भी धारण करते हैं, लेकिन वो केंद्र में आया तो ही धारण करना, अगर साइड में कहा भी आ गया तो रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना। और यहाँ भाग्याधिपति यानी कि 2 आंकड़ा आया है, यानी कि मेष, वृषभ, दूसरा राशि कौन सी है? वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, वो केंद्र में है कि नहीं वो देखना है, अगर वो केंद्र में है तो जातक को शुक्र ग्रह का रत्न, एक तो हीरा होता है नहीं तो ओपल होता है, वो रत्न आपको धारण करना है। दर्शकों बहुत सारे लोग राशि के रत्न पहनते हैं, राशि के स्टोन पहनते हैं, मेरी राशि तुला है तो मैं तुला राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र ग्रह का रत्न ओपल वो परिधान करते हैं, नहीं तो फिर किसी की राशि मेष होती है, किसी की वृषभ होती है तो वृषभ का स्वामी है शुक्र, फिर मिथुन का स्वामी होता है बुध, तो राशि के हिसाब से लोग रत्न पहनते हैं। ज्यादा करके जेम स्टोन में आप जाएंगे तो आपकी राशि कौन सी है और उसी का रत्न आप पहनो वो आपके लिए अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। राशि का स्वामी अगर केंद्र में आता है तो ही उसका रत्न पहनना चाहिए, अगर राशि का स्वामी अगर मृत्यु स्थान में आता है, खर्चे वाले स्थान में आता है, शत्रु के स्थान में आता है तो जातक को वो रत्न धारण करने से तकलीफ हो सकती है। बहुत रत्न पहनते समय बहुत सावधगिरी से रत्न पहनना चाहिए कि ये रत्न कौन सा पहन रहे हो, अगर वो केंद्र में है तो ही रत्न उसका परिधान करना चाहिए। रत्न पहनते समय वो रत्न को आपको सिद्ध करना पड़ता है, एक तो आप किसी ब्राह्मणों के पास जाके वो रत्न सिद्ध कर सकते हो मंत्रों का जाप करके, किसी बड़े बड़े पूजा में उस रत्न को रखे वो रत्न को सिद्ध कर सकते हैं रत्न का अभिषेक करके, लेकिन एक साधा सरल उपाय ऐसा भी है कि रत्न के जो रत्न आप परिधान कर रहे हो उस ग्रह का
जाप अगर आप करते हो तो भी वो रत्न सिद्ध हो जाता है। यहां पे मैंने लिखा है कि अगर आप बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण करते हो तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बोधाय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हो। नहीं तो फिर छोटे भी मंत्र ऐसे बहुत है बुध के, ओम बोधाय नमः इतना बोला तो भी चलेगा। उसके साथ साथ अगर आप पंचमाधिपति शनि अगर केंद्र में हो तो उसका रत्न नीलम होता है, वो अगर आपको धारण करना है तो उसके लिए कौन सा जाप करना चाहिए, ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्वराय नमः, इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। बोर्ड पे मैंने सब लिखा है, ये आपको देखना है और उसे नोट डाउन करके वो मंत्र को याद करना है, बाहर करना है। उसके साथ साथ और भी जो पुराणोक्त मंत्र होता है, नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभुतम तन्नमामि शनिशरम, इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। फिर तीसरा जो भाग्याधिपति है शुक्र ग्रह, उसका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह भार्गवाय नमः, भार्गव यानी के शुक्र, शुक्राचार्य दैत्यो के गुरु, उसका पुराणोक्त मंत्र भी उसका उच्चारण कर सकते हो। ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणम्यामहम, इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। साथ ही साथ रत्न धारण करते समय आपको ये याद रखना है कि रत्न कौन से धातु में पहनना चाहिए, अगर बुध है तो वो कॉमन वो दोनों धातु में चल सकता है, चांदी में भी बहुत सारे लोग पहनते हैं और सोने में भी पहनते हैं, लेकिन चांदी में जरा ज्यादा अच्छा फल मिलता है। शनि का रत्न नीलम होता है, वो भी चांदी में आप पहन सकते हैं, नहीं तो लोखंड में भी आप पहन सकते हो, लेकिन लोखंड में अच्छा नहीं लगता इसलिए लोग धातु चांदी में पहनते हैं। शुक्र ग्रह का रत्न वो आपको सोने में पहन सकते हैं, उसका रत्न होता है हीरा ओपल, वो आपको सोने में पहना है। दर्शकों ये सब प्रकार की मैंने जानकारी आपको दी है, ये रत्न आपको अच्छे जेमस्टोन के माध्यम से आप किसी भी ज्योतिषकार से सलाह से वो रत्न ले सकते हैं। सर्टिफाइड रत्न ही आपको परिधान करना है, अगर आपको रत्न सर्टिफाइड उसके लैब होते हैं, कोई भी रत्न आप लेते हैं तो उसका लैब में लैब टेस्टिंग करने के बाद ही वो रत्न परिधान करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग डुप्लीकेट भी रत्न दे देते हैं। दर्शकों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार दर्शकों।